दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बार मुकेश अंबानी ने बात की थी कि फ्यूचर में जो ओड डेटा है वही नेक्स्ट जनरेशन का ऑयल होगा। मतलब ऑयल से शिफ्ट करके वो जियो पे आ चुके हैं और जियो का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑयल देखने को मिलेगा। मतलब अब ऑयल छोड़ो, ऑयल वैसे ही खत्म होने वाला, अब डेटा ही मेन दोस्तों देशों की पैसा होगा, अर्निंग होगी, उनकी एसेट्स होगी। आने वाले टाइम के अंदर डेटा के बीच में वो होगी किन सी कंपनी के पास कितना प्रीमियम डेटा पड़ा है, और डेटा ही दोस्तों आदान प्रदान किया जाएगा, वही सबसे महंगा होगा। तो डेटा के बारे में दोस्तों बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों डेटा आप इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉ है? यस दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल बात कर लीजिए तो चाइना जैसा देश दोस्तों यहाँ पे डेटा चोरी करता है पूरी दुनिया से दोस्तों। यस, उसके फोन, उसकी ऐप, वो सब कुछ डेटा चोरी करते हैं। ऐसा कोई लॉ या कोई भी एक्ट भारत में फिलहाल नहीं जो आपके डेटा को बचाए, लेकिन भारत सरकार दोस्तों बहुत जल्द भारत के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम करने वाली है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों आने वाला है दोस्तों। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे स्टेटमेंट आया कि बहुत जल्द भारत के अंदर डेटा को रेगुलराइज किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। इस बिल से क्या फायदे होंगे दोस्तों, इस एक्ट से क्या फायदे होंगे और किस तरह से आपका डेटा सुरक्षित होगा, और भारत दोस्तों डेटा के मामले में दुनिया में टॉप में रैंक करने वाला, और क्या होंगे दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैन। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में आने वाले टाइम के अंदर डेटा की कीमत होगी दोस्तों। आपके पास कितना सारा डेटा है, कौन सा डेटा है, यही दोस्तों मेन चीज होगी। क्योंकि आज अगर आप, मैं डेटा का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप दोस्तों पर्टिकुलरली कोई मोबाइल यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलरली ब्राउजर यूज करते हैं, तो आप जो सर्च करेंगे ना वो सर्च की पूरी हिस्ट्री बनती है। जैसे आप अगर गूगल क्रोम यूज करो और उसमें आपने कोई लैपटॉप देखा है, एचपी का या कोई भी, ठीक है, तो एक डेटा पीछे बनता जा रहा है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, पता, आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप उस तरह की चीजें आपको दिखाना चाहिए कर देगा, आपकी कुकीज वगैरह, आपका पूरा डेटा जो है वो गूगल क्या दिखाना चालू कर देगा, जिससे कि आप प्रेरित होंगे कि हाँ ये लैपटॉप ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। तो ये चीज किसको दिखाएगा, वो जो कंपनीज उसके साथ एडवर्टाइज कर रही है, मतलब एचपी एडवर्टाइज करी तो एचपी के लैपटॉप आपको दिखाए जाएंगे, अगर लेनोवो लैपटॉप एडवर्टाइज करे तो लेनोवो के लैपटॉप दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये डेटा कितना कीमती है गूगल के लिए आप समझ सकते हैं, उसको ये पता चल रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, तो वही चीज आपको दिखाई जाएगी और फाइनल कैलकुलेशन क्या बैठेगी, आप उस चीज को परचेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, पैसा कमाएगा गूगल, पैसा कमाएगा कंपनी वाले। तो डेटा दोस्तों कुछ इस तरह से काम करता है। तो सिंपल एग्जांपल में बताया कि डेटा तो बहुत बड़े लेवल पर था दोस्तों। ये जैसे चाइनीज कंपनीज है ना, मतलब ये टू गोल्ड और 500 कंपनीज, ये आपकी पूरी की पूरी डेटा, कॉन्टैक्ट ये वो, आपकी हॉबी क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते, कौन सी एप्लीकेशन देखते हैं, कौन से वीडियोस देखते हैं, ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके चाइना लेके चले जाते हैं। इस तरीके का एप्लीकेशन को भारत ऑलरेडी बैन कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद डेटा बहुत कीमती होता है और आपकी प्राइवेसी दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाली, यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी विल फाइनलाइज डेटा प्रोटेक्शन लो वेरी सून। डेटा प्रोटेक्शन का कानून भारत में बहुत जल्द आ सकता है। आईटी मिनिस्टर दोस्तों हमारे रविशंकर प्रसाद वो क्लियर यहां पे कर रहे हैं, अभी एक्ट किस तरह से काम करेगा, लॉ किस तरह से काम करेगा वो भी देखेंगे। और क्या है दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बताया आईटी कम्युनिकेशन मिनिस्टर दोस्तों यहां पे रविशंकर प्रसाद ऑन थर्सडे दैट गवर्नमेंट वाज नीड टू प्रमोट इंडिया एज अ बिग सेंटर ऑफ द डेटा इकोनॉमी एंड वुड फाइनलाइज अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ वेरी सून। दोस्तों हमारी इकोनॉमी की डेटा दोस्तों डेटा सेंट्रिक बनने वाली, मतलब पूरी जो आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना उनका डेटा भी दोस्तों स्टोर किया जाएगा। यस दोस्तों, क्योंकि आजकल जो अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो सारी चीजें यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो वो सबका सब दोस्तों एक तरह का डेटा ही है जिसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसको किस तरह से करना है ये लॉ बनाया जाएगा इसके लिए। और दोस्तों बहुत जल्द फाइनलाइज करने वाले डेटा जो प्रोटेक्शन बिल जो लॉ होगा उसको यहां पे लाने वाले, सरकार क्लियरली बता रही है यहां पे, द प्रमोट द इंडिया इज अ वेरी बिग सेंटर ऑफ द डेटा इकोनॉमी। दोस्तों डेटा इकोनॉमी का मतलब समझ सकते हैं, मतलब डेटा जो होगा आपकी इकोनॉमी होने वाला, मतलब यही आपका पैसा होने वाला आने वाले टाइम के अंदर। डेटा इज गोइंग टू ड्राइव डिजिटल इकोनॉमी, मतलब डिजिटली दोस्तों जितना भी ट्रांजेक्शन होंगे सबका सब दोस्तों डेटा के थ्रू यहां पे होने वाले, ये बहुत बड़ी चीज है। इट इज गोइंग टू ड्राइव द इंटरनेशनल कॉमर्स दोस्तों, मतलब पूरी दुनिया का दोस्तों कॉमर्स मार्केट होगा, लेन देन सब कुछ यहां पे डेटा के थ्रू होने वाला है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। एड्रेसिंग द बेंगलुरु टेक समिट दोस्तों 2020 जो था BTS 2020, इसके अंदर वर्चुअली दोस्तों हमारे आईटी मिनिस्टर गए और उन्होंने यहां पे क्लियर किया दैट इंडिया इज प्रोड्यूस ह्यूज डेटा एंड डिजिटल इकोसिस्टम। इंडिया सबसे ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करता है दोस्तों यहां पे, और यहां पे डिजिटल इकोसिस्टम भी इंडिया पे बना रहा है, लाइक मोबाइल फोन्स, आधार, ये सबका सब डेटा है। आधार के से दोस्तों तो आपको सारा डिजिटल डेटा मिल जाता है, मतलब कि बैंकिंग ये वो पैन कार्ड फलाना देखना बैंकिंग डिटेल्स वगैरह सब कुछ। अब इस डेटा को सिक्योर भी करना पड़ता है, अगर किसी ऐसे बंदे के पास चले जाए आपका सारा का सारा बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, तो ये बहुत रिस्की है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा लॉ भारत में होना चाहिए, जिसकी दोस्तों यहां पे बात कर रहे आईटी मिनिस्टर, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द डेटा प्रोटेक्शन लॉ वेरी सून। बहुत जल्द दोस्तों फाइनलाइज हो जाएगा, भारत में इंट्रोड्यूस हो जाएगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसके बाद आपको आपके
डेटा की सिक्योरिटी की टेंशन नहीं करनी, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, आपका डेटा सेफ रहेगा। यस, ऐसी बात की जा रही है। इंडिया इज वेटिंग फॉर द इट्स मूवमेंट टू डेटा इकोनॉमी, डेटा इनोवेशन एंड डेटा रिफाइनरी। दोस्तों यहाँ पे डेटा की इकोनॉमी बनाने की प्लान चल रही है दोस्तों, डेटा की इनोवेशन चल रही है, नया नया डेटा यहाँ पे आएगा दोस्तों, और डेटा रिफाइनरी मतलब रिफाइन करके दोस्तों नीट एंड क्लीन और हाई एंड डेटा भी दोस्तों में रखा जाएगा। मतलब डेटा की कोई लिमिट नहीं, अलग अलग तरह का डेटा होगा दोस्तों, उन सारी चीजों को होगा। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक दोस्तों बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इंश्योर किया था जो बैंगलोर जो कर्नाटक स्टेट है दोस्तों, खास करके बैंगलोर सिटी के अंदर द स्टेट बिकम्स अ ग्रेट सेंटर फॉर द इंडिया डेटा इकोनॉमी। यस दोस्तों, खास करके यहाँ पे कर्नाटक स्टेट एक बहुत बड़ा दोस्तों होगा, मतलब पूरा का पूरा भारत का डेटा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट अलोंग विद कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट्स विजन ग्रुप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सारी की सारी चीजें। मतलब बता दो दोस्तों, बैंगलोर के आसपास भी बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, आईटी हब है दोस्तों हमारा बैंगलोर, और पूरी इंडिया का डेटा दोस्तों यहाँ पे होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दोस्तों यहाँ पे इनोग्रेट किया था इस समिट को, और यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भारत जो है दोस्तों यहाँ पे डेटा इकोनॉमी बनने वाला, भारत की जो इकोनॉमी होगी आने वाले डेटा में बनने वाली। मतलब सो बात की एक बात है कि आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों आपका डेटा सेफ रहने वाला है, इसकी जवाबदारी सरकार की रहने वाली है। डेटा लो यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें कह जाएगी, खास करके दोस्तों जो बाहर की कंपनियां एप्लीकेशन है, ये जो आपका डेटा है वो डेटा भारत में ही सेव करना पड़ेगा। यस, भारत में व्हाट्सएप को भी क्लियर कर देते कि बैंकिंग जितने भी आप यहाँ पे रखते हैं, व्हाट्सएप को जो क्लियरेंस यहाँ पे मिला व्हाट्सएप को पेमेंट वाला, वो तभी यहाँ पे मिला कि आपको यहाँ पे पूरा भारतीयों का डेटा भारत में स्टोर करना पड़ेगा। वैसा ही कुछ पबजी के साथ होने वाला, वैसा ही सारी कंपनी के साथ, भारतीय लोगों का डेटा भारत में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको यहाँ पे आपको सिक्योर रखना पड़ेगा, इसके कुछ मापदंड बनाए। तो ये डेटा जो लो आने वाला दोस्तों, उसके बाद ये सारी चीजें क्लीन हो जाएगी, भारतीयों का डेटा भारत में रहेगा, सरकार के अंडर में रहने वाला है, और कोई भी कंपनी आपका डेटा नहीं चुरा सकेगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों होने वाली है, और आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों डेटा जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, डिजिटल क्रांति में दोस्तों जो डेटा है डिजिटल वे में बहुत आगे आने वाला है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी अपडेट कि भारत सरकार बहुत जल्द भारत के अंदर रेवोल्यूशनरी काम करने वाली, डेटा प्रोटेक्शन बिल दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है दोस्तों बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिससे भारतीयों का डेटा सेफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी दोस्तों बहुत बूम करने वाली है इस डिजिटल डेटा के मार्फत से। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये लाल कलर का जो बटन है इसको जरूर दबाइए। इसको दबाने का फायदा ये मिलेगा कि आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से फ्रेंड्स, जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटी के बटन को भूले बिना जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।